जय माता दी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह 2022 के दूसरे सप्ताह के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए 8 मई से 14 मई तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, किस ग्रह के साथ युति होगी, उससे क्या योग बनेगा और इन सभी चीजों का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होने वाला है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो चलिए पहले इन दिनों के हम ग्रहों की स्थितियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए 8 मई से और 14 मई तक अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा अपनी राशि से गोचर करते हुए कन्या राशि तक जाएंगे। कर्क, सिंह और कन्या, इन तीन भावों में चंद्रमा सक्रिय रहेंगे जिसके अनुसार ये परिवर्तन होंगे। और जो सप्ताह का पहला दिन है 8 मई का दिन, बहुत ही उत्तम दिन है, गंगा सप्तमी का दिन है ये। इस दिन पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य योग सर्वार्थ सिद्धि योग में ये सप्ताह की शुरुआत हो रही है। सप्ताह का जो अंतिम दिन है 14 मई का दिन, इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है और रवि योग बना हुआ है जो बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। तो इन योगों में सप्ताह पूरा बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके अलावा इस 7 दिनों में जो राशि भी बदलेंगे ग्रह, एक तो देखिए 10 मई को जो कि बुध ग्रह हैं वृषभ राशि में बैठे हैं वो वक्री हो जाएंगे, उसके बाद 13 मई को वो अस्त हो जाएंगे और 14 मई की रात्रि में सूर्य का राशि परिवर्तन भी वृषभ राशि में होगा जिसे बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। तो यानी बुध की ही स्थिति में इस पूरे सप्ताह में परिवर्तन होगा, दो बार बुध की ही स्थितियां बदलेंगी तो बुध का ही सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। बाकी ग्रहों का अगर हम देखें तो शुक्र और गुरु मीन राशि में है, सूर्य और राहु ये मेष राशि में है, आपकी राशि के स्वामी बुध देव हैं जो वृषभ राशि में विराजित हैं और ये अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे कि ये जो दिन है ये आपके लिए किस तरह से परिवर्तित होने वाले हैं। तो एक तो जो चंद्रमा है वो कर्क राशि में है, दिन जो सप्ताह का पहला दिन है ये बहुत ही उत्तम है, गंगा सप्तमी का दिन है, गंगा जी की पूजा आराधना करें अपनी मनोकामना के लिए, अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, बीमारों को ठीक करने के लिए, निरोग रहने के लिए गंगा जल का उपयोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बहुत ताकत होती है गंगा जल में। तो इस दिन आप जो शुरुआत है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सुबह को अपने स्नान के पानी में गंगा जल डाल लें और तब स्नान करें, उसके अलावा अपने पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। गंगा जल के छिड़काव से हर तरह की नेगेटिविटी दूर होती है और जो योग हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं ही, रवि पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और इस सप्ताह में गज केसरी योग और त्रिपुष्कर योग भी बनने वाले हैं। तो एक तो कन्या राशि के लोग इस सप्ताह में धन और समय दोनों का अच्छे तरीके से प्रबंधन करें, क्योंकि देखिए जब आप धन संचित करते हैं तो आपके भविष्य को सिक्योर करता है, आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को तो दुख दूर करता ही है बाद में खुशियों में भी वही काम आता है, इसीलिए धन को संचित करना सीखें और समय का प्रबंधन करना बहुत अच्छा है, टाइम वेस्ट ना करके उस समय को जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है उसे आप अच्छे उचित कार्यों में लगाएं। सप्ताह की शुरुआत में आप किसी तरह का कोई काम करा सकते हैं अपने घर में, जैसे मरम्मत का काम करा दिया या घर के लिए कुछ खरीदारी कर ली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी कार्य के लिए चाहे अनचाहे बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसके कारण आपका बजट गड़बड़ा जाए। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में फंसे पैसे को निकालने के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जो इस तरह के पैसे जो व्यवसाय करते हैं किसी भी तरह का और आपका मार्केट में पैसा फंसा हुआ है तो आपको अच्छी खासी भागदौड़ करनी पड़ सकती है उस पैसे को लेने के लिए, लेकिन पीछे ना हटें, जो आप भागदौड़ करेंगे, जो आप प्रयास करेंगे वो आपको उचित लाभ देकर जाएगा, वो आपको आपकी इच्छा पूरी कर जाएगा। इस सप्ताह की शुरुआत में ही ऑफिस के कामकाज की वजह से आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है या फिर कारोबार के सिलसिले में कोई छोटी या लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अब इस दौरान बस अपने सामान का और अपनी सेहत दोनों का ख्याल आपको रखना होगा। अब स्टूडेंट्स की अगर देखें तो जो छात्र हैं छात्राएं हैं परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो ऐसे छात्रों को छात्राओं को
अधिक परिश्रम करना है और परिश्रम करने पे आपको अपनी मनचाही सफलता भी प्राप्त हो सकती है। देखिए परिश्रम तो सभी लोग करते हैं लेकिन कामयाबी किसी किसी को हासिल होती है। लेकिन यहां आपके लिए ग्रह भी बहुत अच्छी स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं जो आपकी मेहनत का फल आपको दिलाएंगे। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारियों में कोई कसर ना छोड़ें, आपको सफलता मिलेगी, आपको मनचाही सफलता मिलेगी। इस सप्ताह के मध्य में पैतृक संपत्ति को लेकर अगर घर में वाद विवाद चल रहा था तो उस वाद विवाद में कहीं ना कहीं सुलझाते हुए आप नजर आएंगे। जो लोग विदेश से जुड़े हुआ कोई व्यापार करते हैं, किसी भी तरह का आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है या किसी तरह से भी आप बाहर से पैसा कमाते हैं, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और ये खबर धन संबंधी भी हो सकती है, ये खबर बाहर जाने की भी हो सकती है, लेकिन जुड़ी हुई होगी विदेश से ही, तो उसके लिए तैयार रहें। और अगर विदेश से वाकई में आप धन कमाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध में आपको सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना होगा और अपने प्रेम को प्रदर्शन करने से बचना होगा। एक होता है ना कि दूसरों के सामने बेकार का प्रदर्शन करते हैं, वैसे प्रदर्शन से आपको बचना होगा। और अगर आप एक तरफा प्रेम में जुड़े हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना है, क्योंकि एक तरफा प्रेम आपको थोड़ा मुसीबत में डाल सकता है, मुश्किल में डाल सकता है, परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बाकी दांपत्य जीवन अच्छा है। हाँ, जीवन साथी की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है, जीवन साथी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना होगा। अब यहाँ जो बुध है वो 10 मई को उन्होंने स्थिति बदली, वक्री हो गए। और वक्री होने का मतलब कि वो उल्टी चाल चलते हुए आपको प्रतीत होंगे। तो अगर बुध की वजह से, बुध के कार्यों में अगर कोई आपको नेगेटिव चीज हुई थी पिछले दिनों में, तो वो अब आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे शिक्षा से जुड़े काम, प्रेम से जुड़े काम या फिर वाणी से जुड़े हुए काम थे, बिगड़ गए थे, तो वो ठीक हो सकते हैं, उसमें आप पॉजिटिव रिजल्ट देख सकते हैं। 13 मई को बुध जो है वो अस्त हो जाएंगे। अस्त होने का मतलब है कि उनके प्रभाव कम हो जाएंगे सूर्य की कृपा से, क्योंकि सूर्य के तेज के कारण ही ग्रह अस्त होता है। जो ज्यादा नजदीक आ जाता है सूर्य के वो अस्त हो जाता है। बुध वैसे भी शनि के बहुत ही नजदीक हैं, तो बुध अस्त हो जाएंगे। फिर 14 मई की रात्रि में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और 15 मई से बुधादित्य योग बनेगा, तब आपकी स्थितियों में परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। कई तरह की परिवर्तन होंगे जो सूर्य बुध की युति से आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिये, यहां इम्पोर्टेंट बात यह है कि बुध जो है वो आपकी राशि के स्वामी है, और राशि स्वामी अगर कमजोर अवस्था में हो ना, तो कुछ चीजों के लिए परेशानी खुद ब खुद आ जाती है। तो आपको बस शांत रहकर अपने काम से काम रखना है, बाकी स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। उपाय जरूर करें, एक तो गणपति की पूजा करें और साथ में बुधवार के दिन गणपति जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं और गणपति के मंत्र की ओम गण गणपते नमः इसका जप भी करें। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।